जन्माष्टमी के अवसर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में कृष्ण वाटिका तैयार की गई है, जहां प्रभु श्री कृष्ण के 5 पसंदीदा पेड़ लगाए गए हैं। पूरे देश में हर कोई अपनी तरह से जन्माष्टमी मनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में कृष्ण वाटिका तैयार की गई है, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण के 5 पसंदीदा पेड़ लगाए गए, जो उनकी बाल लीलाओं से जुड़े हुए हैं। इसमें कदम, मौलश्री, कृष्णावट, कृष्ण कमल और बैजंती के पेड़ शामिल हैं। अनुसंधान केंद्र के वन क्षेत्राधिकारी मदन बिष्ट ने बताया कि उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृष्ण वाटिका तैयार की है। जन्माष्टमी के दिन इन वृक्षों का महत्व और बढ़ जाता है। वहीं इस वाटिका में विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। ये वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में हमने एक कृष्ण वाटिका बनाई है। जन्माष्टमी के टाइम में इसका और महत्व बढ़ जाता है। तो भगवान कृष्ण को 5 तरह की जो वनस्पतियाँ प्रसिद्ध थी उनके लिए उनको अच्छी थी, वो हमने यहाँ पर स्थापित किया है। कदम्ब है जिसमें वो बांसुरी बजाया करते थे। बकुल या मौलश्री है जो बहुत घना पेड़ होता है जिसमें वो छुपते थे। माखन कटोरी जिसको कहा गया कृष्ण भट्ट, भगवान कृष्ण के नाम पर ही उसका नाम भी फाइकस कृष्ण ही पड़ा हुआ है, तो मक्खन उससे खाते थे। और कृष्ण कमल जो वो उनको प्रिय था, और बैजंती माला, गले में बैजंती माला कहा गया भगवान कृष्ण के लिए, तो वो बैजंती का पेड़ भी यहाँ लगा हुआ है। तो 5 तरह की वनस्पतियाँ यहाँ लगी हैं, और यहाँ पर जो भी विजिटर आता है, आगंतु आते हैं, वो इसका अवलोकन करते हैं और देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।